गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग प्रियांशी पाल गुड इवनिंग ज्योति राज प्रजापत उसके बाद हैं गुड इवनिंग जितेंद्र कुमार जीतू सैनी नीरज कुमार राहुल कुमार सुधीर कुमार अजय कुमार विपुल कुमार एडवोकेट कुछ है? अच्छा एडीवी रवि शुक्ला ओके okay. शर्मा का कहना है मैम उदयपुर की धरती से प्रणाम प्रणाम बेटा गब्बर सिंह अरे वाह क्या नाम रखा है आपने अपना गब्बर सिंह डरते हैं क्या आपसे सब जो आपने ऐसा नाम रख रखा है चलो बताओ गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे लेकिन इधर कुछ अच्छा नहीं है दिल्ली में जो पोल्यूशन आपको पता है कितना चल रहा है इस हद तक दिल्ली में पोल्यूशन है अभी कि लोग अः मतलब केजरीवाल सरकार जो है वो लॉकडाउन लगाने को तैयार हो गई है स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट सब बंद कर दिए एक वीक के लिए और केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं दिल्ली में लगाने को तैयार हूं लॉकडाउन लेकिन पूरे दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव नोएडा वाले सेक्टर में भी पूरा आप अगर लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं तो मैं दिल्ली में लगाने को तैयार हूं अब आप सोचिए कितना भयंकर पॉल्यूशन हो रखा है यहां पर कि आपकी गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने की तैयारी करने लग गई है लॉकडाउन तो खेल सा हो गया है सरकारों के लिए कुछ भी हो अब लॉकडाउन लगा दो है ना एक नया नाम शब्द सुन लिया है आपने इसके लिए और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है उन पर अगर ये लोग काम करें तो ज्यादा अच्छा है लॉकडाउन में थोड़ी हर चीज का सॉल्यूशन है कि कुछ भी करो लॉकडाउन लगा दो हां जी पिंकी पांडे जी गुड इवनिंग अमित शर्मा गुड इवनिंग हाँ जी चलो सबको गुड इवनिंग हीरा कुमार गुड इवनिंग तो पॉल्यूशन जो है वो बहुत सारे रीजन है एक ही रीजन नहीं है कि सिर्फ दिवाली पर पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन हुआ है ऐसा नहीं है बहुत सारे रीजन है इसके इसके पीछे आसपास जैसे दिल्ली से इधर हरियाणा के स्टेट में इस समय क्या होता है वो थोड़ी फसल बसल जलाते हैं जो बची हुई फसल होती है ना उसको खाद बनाने के लिए फसल बसल जला देते हैं उसका भी पॉल्यूशन आता है प्लस इतने सारे व्हीकल्स हैं यार गाड़ियां इतना है उसका भी पॉल्यूशन है तो बहुत ही बुरा एकदम हाल हो रखा है लेकिन क्या करें अब है ना अः अगर सुधार नहीं रहा तो लॉकडाउन लगेगा अच्छा हाँ ऐसा ही कह रहे हैं कुछ लॉकडाउन लगा देंगे लेकिन यार लॉकडाउन लगाने से बहुत सारे लोगों की आजीविका नहीं चल पाती है ना लॉकडाउन एक सॉल्यूशन नहीं है ये लोग क्यों नहीं आर्टिफिशियल रेन करवा दो आपके पास कौन सी पैसे की कमी है सरकार अगर दो दिन लगातार आर्टिफिशियल रेन करवा दी तो वैसे ही खत्म हो जाएगा लॉकडाउन या फिर भगवान ही एक दिन एक डेढ़ घंटे के लिए बारिश करवा दे एक बार सर्दी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन पॉल्यूशन बहुत गंदा है इतनी आंखों में इचिंग होती है सांस लेने में प्रॉपर प्रॉब्लम होती है पता है जो लोगों को अस्थमा है या किसी को रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई बीमारी है उनके लिए तो बहुत टफ टाइम है ये बहुत टफ टाइम है चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज क्लास क्लास तो लास्ट क्लास में हमारा ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था आप बताओ जो एक वीडियो अपलोड हुई थी वो पढ़ ली थी आपने ह्यूमन डिजीज हमने सारे पढ़ लिए थे मानव रोग मानव रोग के बारे में हमने सारी बातें कर ली थी अब जो हॉर्मोन वाले बच्चे हैं बीमारियां जैसे आप गोइटर हो गया जैसे आपको कुछ और भी आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको एडिसन डिजीज हो गई माइक्सोडेमा हो गई वो सब हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगे बाकी सब तो ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था किसी को कोई इश्यू है उसमें कोई पूछना है किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं फिर हम आज का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे किसी को कोई डाउट है पहले ये बताओ किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो बताइए जरा प्रियांशु प्रांशु सिंह ओके मैं प्रियांशु गलत बोल रही थी दीपक कुमार गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग ठीक है चलो करें फिर स्टार्ट हम्म डिजीज कंप्लीट हो गई है किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं चाहे अभी पूछ लीजिए चाहे क्लास के बाद पूछ लीजिएगा है ना चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं देखो अगला हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन और हिंदी में कहा जाता है मानव पोषण और आज सी का पेपर हुआ था आज था या कल कल या आज सीडीएस का पेपर था बहुत ही ज्यादा साइंस के क्वेश्चन आए भर भर के साइंस के क्वेश्चन आए बायोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है फिर केमिस्ट्री के फिर फिजिक्स के फिजिक्स के आई थिंक तीन या दो क्वेश्चन है लेकिन बायो के कम से कम आठ दस क्वेश्चन है तो आप एक बार उन क्वेश्चन को देख लेना मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है पूरा पेपर शेयर कर दिया आपको तो वो देखना अच्छे क्वेश्चन है लेकिन आप सब कर पाओगे अगर आपने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से वो सारे क्वेश्चन कर पाओगे ये मेरा आपसे गारंटी है अगर आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा है ना मैम आप पढ़ा दें और कोई डाउट हो सकता है नहीं ऐसा नहीं मैम फैटी लीवर क्यों होता है उमेश बेटा उसके रीजन फैटी लीवर का क्या क्या होता है या तो आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं या आपके लीवर के अंदर सेल्स डैमेज हो गई हैं या आपके बॉडी में कोलेस्ट्रोल का अमाउंट बढ़ा हुआ है उसकी वजह से फैटी लीवर जैसी बीमारियां देखने को मिल सकते हैं जैसे हम लीवर सिरोसिस कहते हैं साइंटिफिकली चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर आज का चैप्टर ह्यूमन न्यूट्रिशन ह्यूमन न्यूट्रिशन पहले चैप्टर का मीनिंग समझो क्या है ह्यूमन का मतलब तो मनुष्य हो गया न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, है उसके के अंदर. वो बहु, या तो होगा कि वो न्यूट्रिएंट अपने आप बना लेगा अपने बॉडी के अंदर जैसे प्लांट्स है तो भैया वो बाहर से थोड़ी देते अपना न्यूट्रिशन वो तो अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज वगैरह बना लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाहर से बहुत सारे न्यूट्रिएंट का इंटेक करते हैं इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन इसका डेफिनेशन लिखिएगा क्या होता है मैंने आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हालांकि बताया है कि इनटेक ऑफ न्यूट्री न्यूट्रेंट फॉर द फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज ह्यूमन न्यूट्रिशन is known as human nutrition is known as human nutrition इस बात का मतलब क्या हुआ इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ तो इस लाइन का मीनिंग है बत, बच्चों कि ह्यूमन्स या कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने शरीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि और विकास के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करता है इंटेक का मतलब होता है ग्रहण करना लेना खाना और जिस प्रोसेस के थ्रू ये इंटेक करता है उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को ह्यूमन न्यूट्रिशन कहा जाता है मनुष्य के शरीर में वृद्धि और विकास के लिए बाहर से किए गया पोषक तत्वों का ग्रहण बाहर से किए गए पोषक तत्वों का ग्रहण ही क्या कहलाता है पोषण कहलाता है अगर मैं बात करूं कि आप खाना खाते हो क्यों खाते हो आप खाना ताकि हमारे बॉडी में जो भी आपने डाइट में कंपोनेंट्स लिए हैं उससे एनर्जी निकले उस एनर्जी से हमारे बॉडी की हमारी सेल्स को हमारे टिश्यूज को एनर्जी मिले उससे हमारे शरीर की ग्रोथ बनी रहे और हमारे शरीर का विकास भी होता रहे तो अगर आप न्यूट्रिट नहीं लोगे अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप जानते हैं हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएगा हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे या हमारे बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो हम जो भी न्यूट्रिएंट बाहर से लेते हैं जो भी आपने खाना खाया है आप उसको खाना नहीं बोलेंगे उसे हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को लेने का जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसी को हम ह्यूमन न्यूट्रिशन कहते हैं ऐसे ही प्लांट में भी न्यूट्रिशन होता है लेकिन प्लांट का न्यूट्रिशन अलग टाइप का है बिकॉज प्लांट आप जानते हैं हैं फोटोसिंथेसिस करते और अपने बॉडी के अंदर ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को बना लेते हैं तो उन्हें बाहर से लेने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन हमारे बॉडी में तो कोई न्यूट्रिएंट बनता नहीं है हमें तो सब कुछ बाहर से लेना पड़ेगा तो जो भी इनको इनटेक करने की बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसी को हम न्यूट्रिशन उसी को हम ह्यूमन न्यूट्रिशन मानव पोषण कहते हैं जब बात करते हैं इसका डेफिनेशन की तो डेफिनेशन तो आपको शायद समझ में आ गई होगी डेफिनेशन में आपको समझना ही नहीं है ह्यूमन न्यूट्रिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और क्यों करते हैं ताकि किसी भी लिविंग बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना रुके अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया तो आप जानते हैं आप आपके शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी आपके ब्रेन की ग्रोथ रुक जाएगी तो जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो खाना वाना नहीं खाता है तो आप डॉक्टर के पास लेकर जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है नहीं नहीं इसे खाना खाना खिलाना बहुत जरूरी है अदरवाइज क्या होगा उसके बॉडी का डेवलपमेंट रुक जाएगा तो जिस भी प्रोसेस के थ्रू हम इनटेक करते हैं न्यूट्रिंट को उसी को ह्यूमन न्यूट्रिशन कहा जाता है अब बात यह आती है कि न्यूट्रिंट्स मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखी है कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं न्यूट्रिशन का प्रोसेस करते हैं और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है पोषण खाना खाना आम भाषा सामे खाना बनाया उसे खाया अब क्या खाते हैं खाने में वही तो पढ़ना है चैप्टर में तो जैसे ही आपने न्यूट्रिशन किया लेकिन आपने खाना खाने में बहुत बड़े-बड़े मॉलिक्यूल खाए उसके बाद इन न्यूट्रिशन का क्या करवाना पड़ता है हमें डाइजेशन करवाना पड़ता है हमें इनका पाचन करवाना पड़ता है और डाइजेशन के बाद क्या होगा हमें इसे एनर्जी मिलेगी लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि जो कुछ टॉक्सिक कंपाउंड बन जाते हैं या कुछ वेस्ट बन जाता है उसको बाद में हम क्या कर देते हैं एक्सक्रीट आउट कर देते हैं तो कहने का मतलब इतना सा है कि न्यूट्रिशन भी एक जैसे किसी भी लिविंग बॉडी में रेस्पिरेशन होता है डाइजेशन होता है या एक्सक्रीशन होता है है वैसे ही एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ये ये भी जरूरी है न्यूट्रिशन का प्रोसेस भी अदरवाइज किसी भी लिविंग बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा अब इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हम सिर्फ यहां पर हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन अब इस न्यूट्रिशन में हम क्या लेते हैं किसका इंटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स का करते हैं न्यूट्रिएंट्स बोले तो पोषक तत्वों का करते हैं हैं अब न्यूट्रिएंट्स में में हम दो टाइप के लेते हैं. हमें इस चैप्टर कुछ नहीं पढ़ना है सिर्फ यह पढ़ना है आप खाने में क्या खाते हो किस क्या खाओगे जिससे एनर्जी ज्यादा मिलेगी अगर किसकी कमी होगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी अगर मैं आपको बोलूं कि आप रोटी आप राइस क्यों खाते हो अगर आपने रोटी नहीं खाई राइस नहीं खाए तो क्या हो जाएगा अगर आपने दूध नहीं पिया तो क्या हो जाएगा दूध पिया तो उससे क्या होता है बस यही तो पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हम दो टाइप से लेते हैं एक न्यूट्रिएंट जो ज्यादा मात्रा में लेते हैं आप उन्हें कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिंट ध्यान से सुनना यहां पर एक टाइप के न्यूट्रिंट से उन्हें बोलेंगे हम मैक्रोन्यूट्रिंट हिंदी में इन्हें कहा जाता है वृहद पोषक तत्व इसका मतलब हो गया जो आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं जिनकी क्वांटिटी आप ज्यादा लेते हैं ज्यादा मात्रा में जो आप खाओगे और वो डेली आप ज्यादा मात्रा में ही लेने पड़ेंगे आपको उन्हें बोलते हैं 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 ज्यादा मात्रा में में लेते लेते वो है और जो बहुत कम अमाउंट ट्रेस अमाउंट में लेते हैं उन्हें बोलते हैं हम माइक्रोन्यूट्रेंट्स उन्हें क्या बोलते हैं हम माइक्रोन्यूट्रेंट्स और इसे बोला जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब जो आप कम मात्रा में लेते हो कम मात्रा में या एनसीआरटी में लिखा हुआ जो ट्रेस अमाउंट में लेते हो ट्रेस का मतलब वो जो बहुत कम जो मिलीग्राम में लेते हो आप जो मिलीग्राम में लेते हो वो माइक्रोन्यूट्रंट और जो आप ग्राम में लेते हो दस ग्राम बीस ग्राम है ना उनको बोलेंगे हम मैक्रोन्यूट्रेंट भैया सीधी सी बात है तो ज्यादा मात्रा में लोगे वो मैक्रो मतलब जिनकी ऐसे सप्लीमेंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा चाहिए हमारे बॉडी को वो मै, मैक्रो होंगे जो कम है उनको माइक्रो न्यूट्रेंट बोलेंगे एक टाइप का तो इनका इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है तो सबसे पहले इनका एग्जाम्पल देते हैं फिर दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन भी आपको बताऊंगी अगर मैक्रोन्यूट्रेंट की बात करते हैं तो मैक्रो में मेजरली तीन आते हैं बच्चों कौन कौन से आते हैं एक नंबर पे आएगा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ना डॉक्टर काब्स खाइए आप ज्यादा या कार्बोहाइड्रेट जिनका एक साधारण नाम कॉमन नाम से हम इन्हें नाम से जानते हैं हिंदी में बोलेंगे इन्हें शर्करा हिंदी में कार्बोहाइड्रेट को शर्करा या सुगर को भी शर्करा ही लिखा हुआ मिलेगा दूसरा हम जो लेते हैं ज्यादा मात्रा में वो लेते हैं हम प्रोटीन प्रोटीन खाते हैं प्रोटीन के लिए आप क्या क्या खाते हो क्या क्या सोर्सेस लेते हो तो वो पढ़ना है प्रोटीन अगर ज्यादा ले ले तो क्या हो जाएगा और अगर कम ले, ले तो क्या हो जाएगा क्या खाओगे जिससे कौन सा प्रोटीन मिलेगा फिर प्रोटीन के फंक्शन क्या है ये पढ़ना है तीसरा हम लेते हैं लिपिड्स लिपिड्स जिसका आम आम भाषा में हम उन्हें क्या बोल देते हैं फैट बोल देते हैं वसा बोल देते हैं तेल खाया घी खाया इन सबसे हमें लिपिड्स मिलते हैं तो ये तीनों हमें ग्राम में चाहिए होते हैं ग्राम में भी तीस चालीस ग्राम है ना वो सबकी क्वांटिटी लिखाओगे आगे चल के एक एक करके तो ये ज्यादा मात्रा में है और याद रखिएगा ये तीनों ही तीनों हैं इनको एनर्जी मॉलिक्यूल भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है इन्हें एनर्जी मॉलिक्यूल बिकॉज जब ये खाओगे तो इनसे ऊर्जा मिलेगी आपको ये ऊर्जा देने वाले अणु कहलाते हैं तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है तो हमेशा के लिए तीन पॉइंट नउट करके रखना पहला कार्बोहाइड्रेट दूसरा प्रोटीन तीसरा लिपिड्स। इसके अलावा आप जो भी खा रहे हो उससे आपको एनर्जी तो नहीं मिलेगी बाकी जो भी उसका फंक्शन है वो काम तो वो अपना करेगा दूसरी तरफ आते माइक्रोन्यूट्रंट में में आप वाइटामिन लेते हैं वाइटामिन जिसे हम हिंदी में विटामिन बोलते हैं आप विटामिन लेते हैं दूसरा आप क्या लेते हैं मिनरल्स लेते हैं मिनरल्स को कहा जाता है खनिज तत्व है। जैसे आपने कैल्शियम फॉस्फोरस पोटेशियम क्लोरीन ये सब लेते हैं है ना अब आप कहोगे मैम पानी कहां आता है तो बेटा पानी जो होता है ना उसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की भी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद ठीक है लेकिन याद रखना विटामिन हो गए मिनरल हो गया पानी हो गया इन तीनों से ही हमें एनर्जी नहीं मिलती है कितना ही पानी पी लो पानी आपके बहुत सारे काम करेगा लेकिन एनर्जी नहीं देगा अगर पानी से एनर्जी मिलती तो हम कभी खाना ही नहीं खाते हम पानी ग्लास एक ग्लास दो ग्लास चार ग्लास तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था घुमाने के लिए आपके दिमाग को घुमाने के लिए कि एक ग्लास आप पानी पियोगे तो उससे कितनी कैलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी तो वहां पर ए जीरो एक दो ऐसे ऑप्शन था तो आपको जीरो करके आना था पानी से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी विटामिन भी आप कितनी खाओ विटामिन से भी आपको एनर्जी नहीं मिलेगी मिनरल्स भी आप कितनी खाओ कैल्सियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम पोटेशियम कितना ही खाओ आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली है एनर्जी खानी एनर्जी के लिए आपको क्या लेना है तो एनर्जी के लिए आप लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए लीजिए आप प्रोटीन्स और एनर्जी के लिए लीजिए आप लिपिड्स या फैट तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया बेटा कि हम दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है उसे पोषण की प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट तो प्रोटीन लिपिड्स इनसे हमें एनर्जी मिलेगी लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रंट लेते हैं जैसे मिनरल्स जैसे या पानी भी आप पीते हैं तो उससे आपको एनर्जी नहीं मिलती है तो एक तो ऐसे इनसे में क्लासिफिकेशन दिया हुआ इनका दूसरा क्लासिफिकेशन क्या दिया हुआ है दूसरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि हम दो टाइप के न्यूट्रं लेते हैं कौन कौन से एक लिखा हुआ है कि आपके केमिस्ट्री में पढ़ो देखो ये जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूं ना ये अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इस चैप्टर का नाम वहां होता है बायोमोलिक्यूल इलेवेंथ ट्वेल्थ दोनों क्लास में था ये अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इस, इस सेम चैप्टर को तो इसे जे वणु के नाम से जाना जाता है बायो और केमिस्ट्री दोनों का एक कॉमन चैप्टर माना जाता है सेम चैप्टर को केमिस्ट्री में पढ़ोगे बायो बायोमोलिक्यूल सेम चैप्टर को बायोलॉजी में पढ़ोगे ह्यूमन न्यूट्रिशन ह्यूमन न्यूट्रिशन है ना ह्यूमन न्यूट्रिशन हो जाएगा ठीक है हाँ मैं केमिस्ट्री की क्लास अब स्टार्ट करने वाली हूं परसों से आपकी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करने वाली हूं आपके बैच में ठीक है जो भी आपके साइंस स्पेशल के बैचेस हैं उनमें और आपका जो कॉम्बो बैच है उसमें मैं आपको लेकिन जो बायोलॉजी स्पेशल वाले बच्चे हैं उनका तो केमिस्ट्री होगा नहीं ठीक है तो वो भी मैं स्टार्ट करवा दूंगी डोंट वरी आपके जब बात करते हैं कि आपकी केमिस्ट्री में इनको कैसे डिवाइड करते हैं एक केमिस्ट्री में लिखा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हिंदी में इसे कहा जाता है कार्बनिक अणु ऐसे अणु ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन है ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या जिसमें कार्बन है उसे हम क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक और जिसमें कार्बन नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम इनऑर्गेनिक तो एक टाइप के होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक जिसमें है उसे ऑर्गेनिक अब जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स आप लेते हैं इन सब में कार्बन होता है लेकिन इनके साथ साथ जो वाइटामिन भी लेते हैं कुछ उन वाइटामिन में भी कार्बन है तो अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो जो वाइटामिन है उसको इसके नीचे लिखा जाएगा देखो क्या क्या लिखे जाएंगे केमिस्ट्री में पहला लिखा जाएगा कार्बोहाइड्रेट दूसरा प्रोटीन तीसरा लिपिड्स और साथ में यहां पर विटामिन भी लिखा हुआ मिलेगा इसलिए नोट्स में विटामिन को यहां लिखा हुआ है लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ोगे तो विटामिन वहां जाएगा विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लेकिन वो कम मात्रा में चाहिए तो इस क्लासिफिकेशन से बांटोगे विटामिन यहां जाएगा क्योंकि कम मात्रा में चाहिए इस क्लासिफिकेशन में देखोगे विटामिन में कार्बन होता है तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है लेकिन जब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या हो गया पहला वोटर पानी पानी का फॉर्मूला क्या होता है एच तो क्या इसमें कहीं कार्बन दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा कार्बन तो पानी को केमिस्ट्री में क्या बोल देंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा जो मिनरल्स है पोषक तत्व है जैसे कैल्शियम तो कैल्शियम है कार्बन और उसके कैल्शियम में कार्बन थोड़ी तो कैल्शियम है पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर ऐसे तो इनमें दिख रहा है क्या कहीं आपको कार्बन नहीं दिख रहा तो केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो इसे बोलते हैं बेटा बायोमोलिक्यूल है ना बायोमोलिक्यूल और साइंस में जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो इसी चैप्टर का नाम ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ जाता है बाकी पढ़ा सेम जाता है और एक बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है वहां पर भी ये चैप्टर पढ़ा जाता है है ना चलो तो अब हमें एक एक करके पढ़ने हैं ये तो क्लासिफिकेशन की बात हो गई अब हमें सब एक एक करके पढ़ने हैं कार्बोहाइड्रेट देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम मैं सीक्वेंस लिखवा देती हूँ इसी सीक्वेंस से आपको पढ़ाऊंगी मैं सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे कितनी एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो कितनी एनर्जी मिल रही है उसके सोर्सेस क्या है क्या फंक्शन होता है इनका कितने टाइप की कार्बोहाइड्रेट होती है ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज ग्लेक्टोज सब पढ़ने वाले यहाँ पे दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोटीन उसके बाद हम पढ़ेंगे लिपिड्स वसा लिपिड्स पढ़ेंगे उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा बेटा इसके बाद विटामिन सारी विटामिन पढ़ेंगे हम विटामिन और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे तो लास्ट में हम पढ़ेंगे आपके मिनरल्स इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे मिनरल्स पढ़ेंगे लास्ट में ठीक है हो गया चलो आप सुनो सबसे पहला एक नंबर लगा के लिखो कार्बोहाइड्रेट नंबर वन पे लिखेगा कार्बोहाइड्रेट और कमेंट में बताओ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में क्या क्या पॉइंट आपने आज तक सुने हैं क्या क्या पॉइंट आपने सुन रखे हैं कॉमन नेम इनका सुगर होता है लेकिन अगर आप साइंटिफिकली बोलोगे तो इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स और शॉर्ट फॉर्म में तो आजकल डॉक्टर वॉक्टर बोलते हैं काब्स काब्स बोला जाता है इनको कि आप एक दिन में इतनी काप्स लो आपके बॉडी में काब्स की कमी हो गई है है ना कार्बोहाइड्रेट सुगर ध्यान से नाम सुनो कार्बोहाइड्रेट कार्बन प्लस हाइड्रेट कार्बो का मतलब है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है पानी जब भी केमिस्ट्री में हाइड्रेट सब देखते हो उसका मतलब ही होता है वोटर पानी तो पानी का फॉर्मूला क्या हो गया एच टू हो गया तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है उसे हम कार्बोहाइड्रेट या कॉमनली हम उसे सुगर शर्करा के नाम से जानते हैं क्या लिख दोगे ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें कार्बन भी होता है हाइड्रोजन भी होता है ऑक्सीजन भी होता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कौन से न्यूट्रेंट है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है तो आप क्या बोल दोगे वो कार्बोहाइड्रेट है अब बात ये करते हैं कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों है, तो हम उसे कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे अब इन एलिमेंट्स का

अनुपात निकालते हैं रेशो निकालते हैं तो रेशो यही निकल के आता है वन इज टू 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 वन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ ग्लूकोज ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज का यह फॉर्मूला होता है अब आप यहां से रेशो निकालोगे तो यही तो निकलेगा वन इज टू टू इज टू वन या एक कार्बोहाइड्रेट और लिखती हूं सी इलेवन एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन इसका भी रेशियो क्या निकलेगा वन इज टू टू इज टू निकलेगा मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक एलिमेंट हो हाइड्रोजन के दो हो और कार्ब कार्ब कार्ब, कार्ब का मतलब कार्बन प्लस हाइड्रेट मतलब पानी और पानी में क्या क्या हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन uh, और कार्बन तो तीनों से मिलकर बना हुआ जो भी एक न्यूट्रिएंट होता है उसी को ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है अगला पॉइंट बेटा इन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब थोड़ी देर पहले ही तो बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इन्हें बोलते हैं हम कार्बनिक यौगिक अब ये कार्बनिक यौगिक क्यों कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन है अब ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ है कि इनके अंदर कार्बन है और कार्बन की प्रेजेंस है इसीलिए हमने इसे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया हां जी कोई बच्चा बहुत बार कमेंट कर रहा है वाइन से एनर्जी मिलता है कि नहीं नीरज जी का क्वेश्चन तो सुन लीजिए आप नीरज जी क्या काम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप वाइन से बिल्कुल एनर्जी मिलती है बिकॉज वाइन में ग्लूकोज वगैरह होता है ठीक है आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है हो गया रवि कुमार कह रहे हैं वन एटी पीज हाउ मेनी किलो कल अप्रोक्स सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट थ्री आएंगे हम सारी बातें करेंगे अभी थोड़ा रुक तो जाइए आराम से पढ़िए नेक्स्ट इनको बोलते हैं हम एनर्जी कंपाउंड हां जी मैम इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इनसे हमें एनर्जी मिलती है ये एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं एनर्जी कंपाउंड का मतलब है ऊर्जा देने वाले यौगिक होते हैं ये ऊर्जा देने वाले यौगिक है कहने का मतलब है कि जब इनका मेटाबॉलिज्म होगा जब इन कार्बोहाइड्रेट को आप खाओगे और इनका डाइजेशन होगा इनका अब्सॉर्प्शन होगा जिसे हम मेटाबॉलिज्म या चयापचय की क्रियाएं बोलते हैं तो इनके मोटा मेटाबॉलिज्म से हमें क्या मिलेगी एनर्जी मिलेगी ऊर्जा मिलेगी बेटा अब बात यह आती है कि कितनी एनर्जी मिलेगी तो ऐसा माना जाता है अप्रोक्स एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर अप्रोक्स मतलब अप्रोक्स बता रही हूं मैं अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सी फोर कार्बोहाइड्रेट ली है तो आपको अप्रोक्स चार से लेकर चार पॉइंट दो किलो कैलोरी एनर्जी तक आपको मिलेगी इतनी एनर्जी आपको मिलेगी अब कितना चाहिए एक दिन में तो साइंस कहती है कि एक हेल्दी पर्सन को अप्रोक्स तीन सौ पचास से लेकर साढ़े चार साढ़े तीन सौ से साढ़े चार सौ ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट आपको लेनी ही लेनी है आपके डाइट में एक दिन में चाहे आप ब्रेकफास्ट में लो चाहे लंच ज्यादा कर लो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो चाहे आप डिनर में ज्यादा ले लो लेकिन अप्रोक्स साइंस कहती है कि एक दिन में 300 से 400 मतलब आप ऑन एन एवरेज लेंगे तो 300 से 400 ग्राम लिख सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड एक लिखा गया साढ़े तीन से साढ़े ग्राम या 400 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे तो वो कोई देखो 300 से ज्यादा होनी चाहिए कम नहीं होनी चाहिए और साढ़े चार के अप्रोक्स होनी चाहिए इससे ज्यादा लोगे तो फिर कुछ इनका नुकसान भी है जो आगे हम आपको बताएंगे ठीक है तो ये हो गया एक दिन में आपको इतनी काब्स लेनी है अब बात ये आती है कि मैम फिर हम इनके लिए क्या खाते हैं क्या खाएं इनके सोर्सेस क्या हैं क्या खाते हैं हम इनके लिए किस किस चीज से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है कौन बच्चा बताएगा क्या खाएं हम इसके क्या है तो बेटा आप खाइए फ्रूट्स, जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं जितने भी आप जूसेस पीते हैं रस पीते हैं आप खाइए इसके लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए दूध में भी कार्बोहाइड्रेट होता है है ना ऐसे देखो ऐसे बहुत सारे सोर्स होंगे जिसमें दूध जैसे दूध है तो दूध में विटामिन भी हैं दूध में आपका प्रोटीन भी है दूध में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी है इसके अलावा आप खाइए आप राइस खा सकते हैं है ना इसके अलावा आप क्या खा सकते हैं आप रोटी खाते हैं ब्रेड खाते हैं रोटी ब्रेड इन सबसे हमें क्या मिलता है फ्रूट फ्रूट के जूसेस एक बच्चे ने वाइन पूछा तो वाइन से बिल्कुल मिलेगा गेहूं खाइए गेहूं से बिल्कुल यही मिलेगा गेहूं से बनी हुई चीजें जैसे आटा आटा की बनी हुई जो भी चीजें आप खाते हैं है ना और अब आटे में तो बहुत सारे टाइप का आटा आता है तो उन सारे आ, इस सब में मिलता है इसके अलावा आप क्या खाते हो पटेटो खाओ आलू खाओ आलू में आपको मिलेगा आलू में स्टार्च होता है राइस में स्टार्च होता है स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होती है है ना तो इन सब के लिए ये सारे आपके सोर्सेज लिखे हुए हैं ये सारे सोर्सेज आपको लेने पड़ेंगे रोटी खाओ इसके अलावा आप चावल खाओ दूध पियो दूध लिख सकते हो आप दूध लो तो यही सब तो हम खाने में खाते हैं और क्या खाते हैं यही तो खाते हैं खाने में जूस पी लिया कोई फ्रूट खा लिया चावल खा लिए रोटी खा ली है ना कोई सब्जी खा ली वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट होती है बिल्कुल होती है आप वेजिटेबल्स भी लिख सकते हो आलू में होता है बहुत सारा स्टार्च आलू खा लीजिए आप तो इनके लिए ये सोर्सेस है ये सब कुछ खाओगे तो इन सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी पूरी होगी ठीक है अब मैंने कहा कि ये एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं लेकिन ये सीधा एनर्जी नहीं देंगे आप सोच रहे मैंने आलू खा लिया आपने राइस खा लिया आपने गेहूं खा ली जो खा ली है ना इन सबसे आपको एनर्जी मिल जाएगी नहीं इन सबसे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी बेटा इनसे आपको कब एनर्जी नहीं मिलेगी तब आप क्या बताओगे जब तक इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा जब तक इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है इनका प्रॉपर तरीके से आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर लोगे इन सबका डाइजेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि ये तो आप बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल लेते हो फिर इनको छोटा छोटा तोड़ना पड़ेगा और इन बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में जो तोड़ते हैं फूड के उसी को ही तो हम डाइजेशन पाचन कहते हैं देन मेटाबॉलिज्म होकर आप इनका एब्जॉर्प्शन वगैरह करवाओगे तब आपको इनसे एनर्जी मिलेगी तो कहने का मतलब है कि ये सब आपने खाया है तो इन सब मतलब जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाई हैं इन कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलेगी लेकिन कब जब आप इनका मेटाबॉलिज्म करोगे अब मेटाबॉलिज्म के लिए आपको पहले समझना होगा कि कहां कहां इनका डाइजेशन होता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां होता है जब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की बात करते हैं तो बच्चों सबसे पहले ही कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है सबसे पहले आपने खाना कहां खाया माउथ में खाया खाना मुंह में खाया और माउथ में ही सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है इंस्टेंट एनर्जी देने वाला मॉलिक्यूल अगर आपसे एग्जाम में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब कभी भी आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तुरंत ऊर्जा चाहिए तो आप कौन सा न्यूट्रेंट लोगे आप प्रोटीन नहीं खाओगे आप लिपिड नहीं खाओगे अगर आपको इंस्टेंटली एनर्जी चाहिए तो आपको क्या खाना पड़ेगा आपको काब्स लेनी पड़ेंगी हम क्या करते हैं अरे यार आज तो बहुत कमजोरी हो रही है चक्कर से आ रहे हैं तो हम ग्लूकोन डी पी लेते हैं ग्लूकोन डी में ग्लूकोज है तो उससे ग्लूकोज क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होती है इसलिए उससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है अब ग्लूकोन डी नहीं है घर में एक चम्मच चीनी खा लो और या फिर एक फ्रूट खा लो एक सेब खा लो है ना कुछ भी आप एक चॉकलेट खा लो आप एक टॉफी खा लो आप क्योंकि इन सब में कार्बो जो भी चीज आपको खाने में मीठी लगती है ना जिसका टेस्ट कैसा आता है स्वीट आता है मीठा आता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में ही रखते हैं तो ये खा लो आप और आप, आपको एनर्जी मिल जाएगी तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए हम कौन सा मॉलिक्यूल खाएं तो आप बताओगे इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट लेनी पड़ेंगी, हमें शर्कराएं लेनी पड़ेंगी अब इसका रीजन है एक वैलिड कि क्यों कार्बोहाइड्रेट ही क्यों बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का ही मेटाबॉलिज्म सबसे पहले होता है इसका ही डाइजेशन सबसे पहले होता है और जिसका मेटाबॉलिज्म या जिसका डाइजेशन सबसे पहले होगा वो उतना ही जल्दी तुरंत एनर्जी देगा आपको वो उतना ही जल्दी आपको एनर्जी देगा इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमें जल्दी एनर्जी देती है अब क्यों क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले माउथ में आपने खाना खाया और माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले तो मुंह में ही इनका डाइजेशन हो जाता है अब मुंह में कौन करता है तो मुंह में आपका जो लार है सलाइवा है इस सलाइवा आपने खाना खाया उसकी कटिंग बाइटिंग करी बाद में उस खाने के अंदर जब आप चबाते हो तो उस खाने को उसको चबाते हो तो उसके अंदर लार मिक्स हो जाता है और लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम कौन सा सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम या इसी का दूसरा नाम होता है टाइलिन अमाइलेज एंजाइम मैं क्या पढ़ा रही हूँ कुछ पल्ले पढ़ रहा है मैंने ये कहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंटली एनर्जी क्यों देती हैं बिकॉज़ इनका डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है कहां पर माउथ में बाकी प्रोटीन फैट का माउथ में नहीं होता है इसलिए एनर्जी उनसे ही मिलेगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा समय लगेगा तो सेलाइवरी अमाइलेज या इसी का एक दूसरा नाम होता है बच्चों टाइलिन अमाइलेज एंजाइम टाइलिन अमाइलेज एंजाइम बोलो या सेलाइवरी अमाइलेज एंजाइम बोलो ये क्या कर देते हैं ये एंजाइम सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कर देता है अब मैं आपको एक बात बताती हूं हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो मेनली हम लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं तो ये क्या करता है माइलेज एंजाइम ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है स्टार्च को किस में बदल देता है माल्टोज में बदल देता है और स्टार्च किसमें होता है रोटी में भी स्टार्च होता है आलू में सब्जियों में भी स्टार्च होता है इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहां से कि जब हम माउथ में रोटी को थोड़ा चबा लेते हैं तो रोटी हल्की सी मीठी लगती है आपको क्यों लगती है रोटी मीठी एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब आप माउथ रोटी को चबा रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा रोटी मीठा लगता है क्यों लगता है रोटी मीठा क्योंकि उस रोटी के अंदर स्टार्च होता है और स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो चुका होता है वो माल्टोज में बदल जाता है और इसी माल्टोज की वजह से आपको रोटी हल्की सी मीठी लगती है मीठी लगती है तो माउथ में हो गया लेकिन अब माउथ में पूरा नहीं होता है इनका डाइजेशन इसका पार्शियल डाइजेशन होता है कंप्लीट नहीं होता है पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा बहुत आंशिक तौर पे आंशिक तौर पे मतलब पूरा नहीं हुआ है अब अगर आप मेरे से पूछो कि मैम पूरा कहां होता है तो बेटा इनका फाइनली जाकर आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है छोटी आंत होती है वहां पर जाके इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है कंप्लीट पूछोगे आप कार्बोहाइड्रेट का तो छोटी आंत में होता है छोटी आंत में कौन करता है तो एक और अलग एंजाइम होता है अमाइलेज भी है फिलैक्टेज है माल्टेज है सुक्रेज है ये बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ाया जाता है <coughs> लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो ये दो एंजाइम के नाम आपको लिखने हैं टाइलिन और अमाइलेज जब भी आप अमाइलेज एंजाइम देखो तो हमेशा ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट ही टिक करके आनी है क्यों क्योंकि अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है और यहां पर आके फिर कंप्लीट हो जाता है अगर कंप्लीट की बात करते हैं तो कहां पर होता है आप बताओगे पूर्ण तरीके से कहां पर होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने कहा देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चन करवाए इस बोर्ड की स्लाइड से कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी लेकिन कब जब उसका होगा जब उसका डाइजेशन होगा पाचन होगा तब एनर्जी मिलेगी अब दो तरीके से डाइजेशन होता है इसका एक तो माउथ में माउथ में कौन सेलाइवा लार और लार में एक एंजाइम होता है कौन सा सिलाईवरीज एंजाइम या उसी का दूसरा नाम है टाइलिन ये हमारे मुंह के अंदर जो रोटी है या स्टार्च है उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देता है इसी की वजह से हमें रोटी खाने में थोड़ी सी मीठी लगती है और माउथ में ही डाइजेशन हो गया इसीलिए इनसे इंस्टेंटली एनर्जी भी आपको मिलती है लेकिन माउथ में पार्शियल होता है कंप्लीट कहां होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर बहुत सारे एंजाइम होते हैं लैक्टेज माल्टेज वो हमने आपको पढ़ा भी रखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पढ़ाया पढ़ाए तो पढ़ा देंगे लेकिन मेन अमाइलेज होता है तो ये लोग इस तरीके से इनका डाइजेशन हो गया इस तरीके से इनका डाइजेशन हो गया तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कहां, कहां होता है तो माउथल <coughs> पांच छह क्वेश्चन करवा दिया आपको स्लाइड से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है एनर्जी देते हैं सॉरी दो तरीके से इनका डाइजेशन होता है एक दिन में इतने चाहिए आपको सोर्सेज मैंने लिखवा दिए हैं। अब बात यह आती है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनकी यूनिट हम क्या बोलते हैं <coughs> इनकी एक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है शर्कराओं की इकाई शर्कराओं की इकाई सेकेराइड को माना गया है मतलब सेकेराइड एक सबसे छोटी यूनिट है जो सबसे छोटी स्ट्रक्चर होगी कार्बोहाइड्रेट की उसे हमने सैकेराइड बोल दिया और ये बहुत सारी सैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ती जाती हैं जुड़ती जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट बनता जाता है बनता जाता है, बनता जाता जाता है है और इसी सैकेराइड यूनिट के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसी सेकेराइड सुरेश कुमार जी का कहना है रिकॉर्डेड वीडियो वाह जी वाह कोई बात नहीं सुरेश जी कुछ नहीं कर सकते हम आपका रोहित सैफी कह रहे हैं मेरा फर्स्ट क्लास लाइव है ओके आप रिकॉर्ड देखते हैं अश्विनी जी का कहना है मैम क्या इनकी यूनिट क्या होती है बेटा इसकी यूनिट होती है सेकेराइड और ऑन द बेसिस ऑफ सेकेराइड यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी तीन कैटेगरी में हम सुगर्स या कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करते हैं लिखिएगा सुगर या कार्बोहाइड्रेट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं शर्कराओं को हम तीन भागों में बांटते हैं कौन कौन सी पहले नाम लिखो फिर उनके बारे में बात करेंगे उनके एग्जाम्पल की बात करेंगे कौन से मेन है वो सब बात करेंगे सबसे पहला सब एक बच्चा कह रहा है ग्लूकोज क्या होता हैं ग्लूकोज भी बेटा कार्बोहाइड्रेट ही है और क्या है ग्लूकोज ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होती है ठीक है सुनो तो पहला होता है उसे कहा जाता है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड एक नंबर पे लिखेंगे मोनोसेकेराइड और हिंदी में भी लिखेंगे मोनोसेकेराइड दो नंबर पे आती है उसको लिखा जाएगा ओलिगोसेकेराइड, दो पे आएगा उसे कहा जाएगा ओलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड ओलीगो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम आप ओलिगो क्यों लिख रही हैं होता है हम बात करेंगे उस पे. आएंगे फिलहाल जो मैं लिखवा रही हूं वैसे ही लिखो आप और तीन पे आता है, उसे कहा जाता है, पोली सेकराइड. पोली सेकराइड. सेकराइड, तीन पे आता है वो होता है पोली सेकेराइट अब मैंने आपको बहुत बार बताया पोली का मतलब तो हमेशा बहुत ज्यादा होता है जब भी कोई चीज ज्यादा मात्रा में होती है कोई यूनिट तो उसे हम पोलीसे पोली, पोली टर्म का मतलब होता है ज्यादा आप सुनो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसैकेराइड पोलीसेकेराइड तीन कैटेगरी में हम कार्बोहाइड्रेट या सुगर को डिवाइड करते हैं सबसे पहला मोनो का मतलब होता है सिंगल अकेला ऐसी कार्बोहाइड्रेट तो जिसमें सेकेराइड यूनिट कितनी हो सिंगल हो एक हो एक ही सेकेराइड यूनिट है उसी को हम मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं उसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं एक बच्चे का क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का खोज किसने किया था बेटा इनका खोज किस खोज कैसे कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होती है कार्बोहाइड्रेट होती है आलू में होती है तो आलू की खोज किसने की आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे क्या है ना ठीक है आ, पोली का मतलब ज्यादा होता है विश्वजीत आपने बिल्कुल सही आंसर दिया डी के राजदीप बेटा इनका कोई खोज वगैरह कहीं नहीं लिखा हुआ है है ना चलो सुनो आप जिसमें एक सैकेराइड यूनिट है उसे मोनोसेकेराइड बोलते हैं और जिसमें एक ही है तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट सुगर बोलो या कार्बोहाइड्रेट यह सबसे सरल शर्करा मानी जाती है अब सरल का मतलब क्या है कि भैया इसमें एक ही सैकेराइड यूनिट है तो सबसे सिंपलेस्ट यही है है ना छोटा नहीं बोलेंगे सिंपलेस्ट इजीएस्ट जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए आसानी से एनर्जी मिल जाए क्योंकि एक ही सेक्यराइड यूनिट है अब एक हुआ तो मोनो, एक से अधिक कितने होते हैं दो ही तो होते हैं या तो दो होंगे या दो से ज्यादा लेकिन दस से कम सेकेराइड यूनिट है तो उसे हम ओलिगो बोलेंगे एक से अधिक कितने होते हैं भाई दो होते हैं ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जिसमें दो यूनिट मिनिमम दो होनी चाहिए और मैक्सिमम दस से नीचे दस से कम हो तो उसे बोलेंगे और दस या दस से ज्यादा दस या दस से ज्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे उसे पोली बोलेंगे दस से ज्यादा आप बोलोगे कितनी कितनी भी हो सकती है अनंत तक हो सकती है पचास साठ सौ एक हजार दो हजार कितनी भी हो सकती है तो उसे हम कहां रखेंगे पॉलीसेकेराइड में रखेंगे अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा इसमें है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम किसको नाम देंगे? इसी को नाम देंगे शर्करा है क्यों है ये जटिल शर्करा बिकॉज आप जानते हैं कि इनके अंदर क्या है ज्यादा सैकेराइड यूनिट है तो ज्यादा है तो आप क्या बताएंगे बेटा ज्यादा है तो हम क्या हाँ बेटा माल्टोज होता है अंकुरित बीजों में अंकुरित होने वाले जो बीज होते हैं जैसे मूंग हो गया मोट हो गया चना हो गया उनमें माल्टोज होता है नीरज कुमार आगे बात करेंगे ठीक है पोली का मतलब होता है ज्यादा बेटा तो दस या दस से ज्यादा है तो वो पोली सेकेराइड एक है तो मोनो एक से अधिक दो और दस से कम तो सेकेराइड अब इसगो पे आओ ध्यान से सुनो अगर दो हुई तो नाम पड़ जाएगा डाई इसीलिए बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं मोनोसेकेराइड पोलीसेकेराइड डाई सेकेराइड पोली तो एक एग्जाम्पल है ओलिगोसेकेराइड का वो गलत नहीं पढ़ाते हैं वो सही है बिकॉज डेली लाइफ में हम सबसे ज्यादा जो ओलिगोसेकेराइड खाते हैं वो डाई सेकेराइड वाला खाते हैं जैसे माल्टोज जैसे सुक्रोज है ना तो डाई से अगर यहां पर तीन मो, मोनो जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा ट्राई हो जाएगा अगर चार जुड़ गई तो टेक्ट्रा हो जाएगा पांच जुड़ गई तो पेंटा सेक्यूराइट हो जाएगा छह जुड़ गई तो हेक्सा हो जाएगा सात जुड़ गई तो हेप्टा आठ हो गया तो ऑक्टा नौ हो गया तो नॉन लेकिन दस आती तो पोली में चला जाएगा तो याद रखिएगा बुक्स में लिखा हुआ वो, वो सही है वो गलत नहीं है कि डाई सेक्यराइड होती है डाई में हम सबसे ज्यादा लेते हैं हमारे खाने में ये ट्राई सेकोराइड्रासेराइड हम नहीं खाते ये लैब वगैरह में काम में आती है टेस्टिंग वगैरह के लिए इसलिए हम यहां पर क्लासिफिकेशन में मोनोसेकेराइड डाई सेकोराइड और पोलीसेकेराइड पढ़ लेते हैं लेकिन जो आपका डाई सेक्यराइड है तो डाई होता ही क्या है एक ओलिगोसेकेराइड का ही एग्जाम्पल है डाई सेकेराइड है ना अब समझ में आ गया कि इनको कैसे क्लासिफाई किया गया मोनो ओलिगो पोली ओलिगो में दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ तक दस दस से ऊपर सेकेराइड अब बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल सेकेराइड के तो मोनो सेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल में एक नंबर पे आता है ग्लूकोस ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स होता है किससे मिलता है इसका मेजर सोर्स है फ्रूट्स फल खाओ जूसेस पियो इन सब में हमें क्या मिलता है ग्लूकोज मिलता है दूसरा दूसरा आता है फ्रक्टोज़ फ्रक्टोज फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है सेम फॉर्मूला है किससे मिलता है यह ज्यादा होता है फ्रूट्स में इसीलिए इसका नाम पड़ गया फ्रूट सुगर इसका नाम ही पड़ गया फलों वाली शर्करा फ्रूट सुगर फलों वाली शर्करा फ्रक्टोज फ्रक्टोज फ्रूट्स में ज्यादा होता है और इसी को कहा जाता है नेचुरल स्वीटेस्ट सुगर नेचुरल मतलब जो प्रकृति से मिली है हमें और स्वीटेस्ट का मतलब मीठी और सुगर का मतलब तो आप समझ गए हैं शर्करा प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा इसी को ही माना गया है प्राकृतिक सबसे मीठी शरकरा। शहद में भी ये डलती है सबसे मीठी शहद में भी होती है ये आगे बात करेंगे वो है फ्रक्टोज और ग्लूकोज जुड़ के सुक्रोज बनाते हैं जैसे चीनी मिलती है वो सब समझ में आएगा रुक जाओ तो ग्लूकोज फ्रक्टोज अब आप कहोगे मैम इनके दोनों के फॉर्मूले तो सेम है बेटा इनके फॉर्मूले सेम है लेकिन आप फिजिक्स में पढ़ोगे इनके जो ऑप्टिकल करेक्टर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अलग होते हैं प्रकाशीय गुण इनके अलग हैं मतलब जब इन दोनों का सॉल्यूशन बनाओगे ग्लूकोज का फ्रक्टोज का और उससे आपने लाइट को एंटर करवाया तो प्रकाश को आपने भेजा तो प्रकाश अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाता है तो मोलिकुलर फॉर्मूला इनका सेम है लेकिन इनके ऑप्टिकल जो करेक्टर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रकाशीय गुण होते हैं उनमें डिफरेंस होता है इनमें अंतर होता है उनमें लेकिन फॉर्मूला उनका सेम होता है तो ग्लूकोज हो गया फ्रक्टोज हो गया ये किसके एग्जाम्पल माने गए हैं ये एग्जाम्पल माने गए हैं मोनोसाइकोराइड का तीसरा एक और एग्जाम्पल लिखो गैलेक्टोज गैलेक्टोज इसका भी फॉर्मूला सेम होता है और गैलेक्टोज किसमें होता है गैलेक्टोज होता है बेटा आप बताओगे दूध वगैरह में अब कहे मैं दूध में माल्टोज होता है अरे आएंगे हम उस पर बात करेंगे गैलेक्टोज जब लैक्टोज टूटता है तब हमें एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलता है लैक्टोज दूध में होता है तो जब दूध वाली लैक्टोज को तोड़ोगे तो गैलेक्टोज बनेगा तो दूध में गैलेक्टोज भी तो हुआ ना हां जी होता है है ना हाँ ग्लूकोज को क्या बोलते हैं ग्लूकोज को कहा जाता है बेटा ग्लूकोज का नाम दिया जाता है हमारे बॉडी का सेल्यूलर फ्यूल नाम लिख लेना इसको इसको सेलुलर फ्यूल इसे कोशिकीय ईंधन के नाम से जानते हैं क्यों जानते हैं इसे कोशिकीय ईंधन क्योंकि हमारे शरीर में जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी में ईंधन डालोगे फ्यूल डालोगे तभी तो पेट्रोल डीजल बर्न होके आपके गाड़ी का इंजन काम करेगा तो गाड़ी आपकी चलेगी इसी तरीके से आपके शरीर की गाड़ी को आपको चलाना है तो आपकी सेल्स के पास ग्लूकोज है उसे तोड़िए और उसके तोड़ने से एनर्जी मिलेगी तो इसे सैलुलर फ्यूल भी बोलते हैं और इस ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं ब्लड शुगर का मतलब है रक्त वाली शर्करा क्योंकि ये हमारे रक्त में ज्यादा होता है रक्त वाली आगे आपको पढ़ाऊंगी ये ग्लूकोज जब ज्यादा होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है जिसके कारण आपको डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसके कारण है ना अब एक बात और सुनिए फ्रक्टोज गन्ने में होता है बिल्कुल इसीलिए इसका नाम सुगर केन सुगर भी है सुगर केन सुगर गन्ने में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे गन्ने में ज्यादा होता है फ्रक्टोज इसे गन्ने वाली शर्करा के नाम से भी जाना जाता है गन्ने वाली शर्करा के नाम से भी जाना जाता है चुकंदर में भी होता है बिल्कुल होता है चुकंदर चुकंदर फ्रूट में आता है तो फ्रूट में मैंने लिख तो दिया है ग्लूकोज होता है फ्रक्टोज भी होता है फ्रूट्स में फ्रक्टोज ज्यादा होता है और जो आप जूसेस पीते हो उनमें ग्लूकोज ज्यादा होता है तो मैंने क्या कहा ग्लूकोज फ्रेक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों क्या है ये तीनों नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है और नेचुरल का मीनिंग समझते हैं आप प्राकृतिक जो नेचर से मिली है हमें ये हमें नेचर से मिली है नेचुरल है ये ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है ये नेचुरल है प्रकृति से मिल रही है आप आपको और मेनली ये हमें कहां से मिलती है प्लांट प्रोडक्ट से मिलती है देखो ना आप प्लांट प्रोडक्ट तो है सब मैंने बोल रही हूँ फ्रूट किसके हैं प्रोडक्ट <coughs> प्लांट के हैं जूस भी किससे बनेंगे प्लांट से बनने वाले फ्रूट से मिलेंगे गन्ना भी हो गया नेचुरल प्लांट है, है ना तो ये प्लांट से प्लांट प्रोडक्ट ही ज्यादा माने जाते हैं ग्लूकोज हमारे शुगर में इसको ब्लड शुगर कहा जाता है, है रक्त वाली शर्करा क्योंकि रक्त में होती है और रक्त के माध्यम से ही हमारी सेल्स के पास पहुंचते हैं और सेल्स के पास इसे फ्यूल का नाम दिया जाता है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि कोशिकाओं के पास ये ईंधन के रूप में काम करता है और तीसरा आप बताओगे फ्रक्टोज को फ्रूट सुगर या सुगर केन सुगर मतलब गन्ने वाली शर्करा या सबसे मीठी शर्करा पूछेगा तब भी आपको फ्रक्टोज ही आंसर करके आना है लेकिन अक्सर एग्जाम में फ्रक्टोज की जगह सुक्रोज भी ऑप्शन हो सकता है वो बताएंगे भी थोड़ी देर के बाद कैसा क्यों होता है ठीक है बेटा समझ गए? आयोडीन की कमी से तो रोग होता है बेटा बात बात ये, ये।, तो ये तीन नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है जो हमें प्रकृति से मिली है और तीनों एग्जाम्पल मानी जाती है मोनोसेक्यराइड के मोनोसेराइड के लिए अब बात करते हैं दूसरा ओलीगो ये कर लोगे इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है एक बार मुझे बता दीजिएगा किसी को कोई डाउट है फिर मैं आपको दो ऑप्शन दो क्वेश्चन बताती हूं एग्जाम में देखो बेटा ये नोट बनाकर लिखिएगा आपने नोट का मतलब थोड़ा सा एग्जाम में जाने से पहले इनको देख लो ग्लूकोज में कितने कार्बन है छे ऐसी कोई सुगर जिसमें छे कार्बन है उसे कहा जाता है हेग्जोस सुगर तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि चार ऑप्शन दिए और पूछा इनमें से कौन सी एक सुगर है जिसको हेक्सोज मानेंगे बेटा जिसमें तीन कार्बन ट्रायोज चार कार्बन है टेट्रोज पांच कार्बन है पेंटोज छह कार्बन है इन तीनों के फॉर्मूले में देखो छह कार्बन छह कार्बन इसका भी छे कार्बन तो ये तीनों कैसी सुगर हैग्जोज सुगर है लेकिन एक सुगर होती है हमारे बॉडी में सी फाइव पांच कार्बन वाली और पांच कार्बन वाली सुगर को पेंटो सुगर कहा जाता है क्या कहा जाता है पेंटो सुगर पांच कार्बन वाली और इसका एग्जाम्पल होता है राइबोस इसका एग्जाम्पल माना जाता है राइबोस यह राइबोस एक तो आर में होती है पढ़ाया है मैंने आपको और दूसरा जब ए टूटती है एटीपी में भी होती है मतलब एटीपी जो एनर्जी होती है हमारे बॉडी में एडिनोसिन ट्राइफोसफेट उसमें भी ये होती है आ गया समझ में, में मेरी बात समझ में आ रही है बात किसी को कोई डाउट तो नहीं है हाँ ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल देंगे हम थोड़ा रुक जाइएगा पहले ये तो समझिए ये सारी चीजें तो मोनोसेकेराइड का हेग्जोज कैसी है छह कार्बन वाली और पेंटोज पांच कार्बन वाले पांच कार्बन वाली सुगर एक तो आरएनए में होती है इसका नाम राइबोस होता है और दूसरा एटीपी में दोनों अच्छे क्वेश्चन है नोट बनाकर एक ऐसा बॉक्स बनाकर लिख दीजिएगा इसको तो ये सब मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं अब दो नंबर पे है कौन सा आपका ओलिगोसैकेराइड वो हम कल पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड इस पर हम कल बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड सेकेराइड क्योंकि मेरी एक क्लास और है बेटा अभी ओलिगोसैकेराइड इस पर हम कल बात करेंगे इस चैप्टर को थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये भी कम से कम आठ नौ क्लास लगेंगी फिनिश करने में लेकिन पढ़ने के बाद आपको डाउट नहीं बचेगा कुछ भी है ना ठीक है तो आज इतना ही याद कीजिए कल हम कार्बोहाइड्रेट खत्म कर लेंगे प्रोटीन भी खत्म कर लेंगे परसों लिपिड्स और वाइटामिन शुरू कर लेंगे ठीक है बेटा चलो सबसे मीठी शर्करा बेटा फ्रक्टोज होती है लेकिन फ्रक्टोज भी ऑप्शन में ना हो तो सुक्रोज सही करेंगे कौन पूछ रहा है मनोहर चौधरी पूछ रहे हैं। तो बेटा आपका अगर फ्र, फ्रक्टोज ऑप्शन में नहीं है तो आप सुक्रोज भी सही कर देंगे क्योंकि फ्रक्टोज ग्लूकोज के साथ जुड़कर ही सुक्रोज बनाता है तो सुक्रोज में भी तो फ्रक्टोज है ठीक है ओके तो कल हम इसको खत्म कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन पढ़ेंगे कल तो आज लिए इतना ही है और अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से रहिएगा और दिल्ली बिल्ली मत आइएगा फिलहाल अगर आप दिल्ली वगैरह आप आने की सोच रहे हैं तो बहुत पॉल्यूशन है चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है कल मिलते हैं आपसे थैंक यू वेरी मच